जिस लोकल बॉडी टैक्स के विरोध में महाराष्ट्र के लाखों व्यापारी हड़ताल पर हैं, आखिर उसमें ऐसा है क्या जिस पर उन्हें आपत्ति है? आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि क्यों व्यापारी एलबीटी का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 70 लाख से ज्यादा व्यापारी एलबीटी हटाने की मांग पर अड़े हैं और इसके लिए थोक व्यापारियों के साथ साथ खुदरा व्यापारी भी बंदी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के व्यापारी जिस एलबीटी यानी लोकल बॉडी टैक्स का विरोध कर रहे हैं वो क्या है, इस बारे में बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने सालों से चली आ रही चुंगी का सिस्टम यानी कि ऑक्सट्राय को हटाकर एलबीटी लागू करने का फैसला किया है। एलबीटी आने पर जो व्यापारी सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार करते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एलबीटी देना होगा, चाहे वो फेरी वाले हों या खोमचे वाले। एलबीटी हर म्यूनिसिपल और पंचायत में लागू होगा जिसकी वसूली स्थानीय निकाय के टैक्स अधिकारी ही करेंगे। एलबीटी लागू होने से लगभग 3.5 लाख व्यापारी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर से मुंबई में भी एलबीटी लागू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के लाखों व्यापारी एलबीटी के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि एलबीटी लागू करने से निकाय स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, एलबीटी के आने से इंस्पेक्टर राज की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि निकाय स्तर के अधिकारी छोटे छोटे व्यापारियों के साथ मनमानी करने लगेंगे। व्यापारियों का ये भी आरोप है कि एलबीटी के जरिए सरकार उनसे मल्टीपल विंडो टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है क्योंकि वैट उनके लिए पहले से एक मुसीबत है और अब उन पर जबरन नया टैक्स थोपा जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर एलबीटी देने को तैयार नहीं है। व्यापारियों के एक दिन के बंद से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और ट्रेड एसोसिएशन मिलकर जल्द से जल्द समझौते की कोशिश करें, नहीं तो इस बंदी से आम लोगों की परेशानी और बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।